सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो दलित समाज है वो केवल पूरे देश में अपना एक दलित नेता है उनका, वो है माननीय बहन जी। और दलित छटपटा रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन आपकी जो सरकार जो करंट में चल रही है वो जाति धर्म के नाम पर लोगों को देखते दलित है उनको थोड़ा सा दबा दो, जो थोड़ा अपर कास्ट है उसको थोड़ा सा छोड़ दो, तो उनको थोड़ा सा ये जो थोड़ा जाति धर्म के नाम पर ये थोड़ा सा अपन राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी अभी ज्यादातर जो वोट चल रहा है वो बहन जी की तरफ चल रहा है। मैं सरकार से बस एक ही चीज़ से नाराज हूँ, क्योंकि युवाओं को जो रोजगार मिला है वो मिला नहीं। बसपा हमारी पार्टी है और जो मान सम्मान हमें बसपा में मिला वो किसी पार्टी में नहीं मिला। आज जितना भी हमारे साथ है जाटा समाज सर्व समाज का वोट मिल रहा है और त्यागी जी माने देवव्रत त्यागी जी को जिताने का काम करेंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने एक चाय के ठिए पर बैठे हैं। यहाँ ये जो चाय का ठिया जहाँ हम बैठे हैं ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत पुराना, यहाँ पर एक राजनीतिक गतिविधियों की चर्चाएं करने का एक गढ़ रहा है। कभी भी आपको समझ रहा हो यहाँ का नौजवान क्या समझ रहा है चुनाव के दौरान, शाम को आके यहाँ बैठिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसी जगह आज भी हम भी बैठे हैं, ज़रा समझें आज की क्या चुनावी परिस्थितियाँ हैं। 24 का चुनाव आने वाला है। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका, आपसे शुरू करें। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रश्नजीत गौतम है और मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ। आप पूर्व पार्षद रहे हैं, अरे वाह, कहाँ से पार्षद? मैं यही मोहनपुरी से पार्षद रहा हूँ। निर्दलीय चुनाव जीता था। निर्दलीय चुनाव जीते थे, बहुत खूब। तो बताइए जी, चुनाव आ रहा है यहाँ पर, सपा से तो अपने सुनीता वर्मा जी हैं, बसपा से यहाँ पर देवव्रत त्यागी जी हैं और अरुण गोविल जी भाजपा से हैं। क्या मन बना है इस बार आप लोग का, क्या रुझान क्या देख रहे हैं आप? रुझान दरअसल ये है, यहाँ जो पिछले हम 4-5 चुनावों की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पे हमेशा या तो बसपा फाइट में रहती है, बसपा जीतती है। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ भाजपा जीती है, बसपा सेकेंड नंबर पर है। तो इससे समझना है कि चुनाव दो लोगों के बीच यहाँ पर है। मेरठ लोहापुर लोकसभा पे चुनाव बसपा में और भाजपा में है। अब जो देवव्रत त्यागी जी हैं यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय बहन जी 23 तारीख को मेरठ आ रही हैं। जो दलित जो है थोड़ा छटपटा रहा है, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं, माननीय बहन जी आएंगी उस दिन, सबको एक कर देंगे और बसपा चुनाव जीतेगी। चलिए ये बताइए, आप कह रहे हैं दलित इधर उधर भी थोड़ा छटपटा रहा है, थोड़ा इधर उधर हिल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे शेरगढ़ी भी गए, उसके बाद जय भीम नगर गए, शेरगढ़ी में कुछ अलग रुझान लग रहा है और जय भीम नगर में तो शेरगढ़ी में ज़्यादा जो नौजवान थे वो हाथी कह रहे थे, लेकिन जय भीम नगर में ज़्यादातर क्या एक तरफा ही लगभग लोग साइकिल कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल सीट पर वो कह रहे थे एक दलित प्रत्याशी भी उतारी है सुनीता वर्मा जी इस बार सपा ने। आपको लग रहा है कि ये जो बिखराव है ये टूट जाएगा एक रैली से? जी हाँ, क्योंकि आपको समझना है कि जो दलित समाज है वो केवल पूरे देश में अपना एक दलित नेता है उनका, वो है माननीय बहन जी, जिसके कहने को वो मानते हैं। माननीय बहन जी ने दलितों को, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब माननीय बहन जी की गवर्नमेंट थी तो दलितों के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें लागू की। ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे का होता है या सरकार में हिस्सेदारी का चेहरा होता है, ना कि सांसद और विधायक के नाम का चुनाव होता है। आदरणीय बहन जी ने दलितों के लिए 0 फीस पे एडमिशन की व्यवस्था की, दलितों को पट्टे देने का काम किया, दलितों के लिए काशीराम आवासीय योजना लाने का काम किया, ऐसी अनेकों अनेक दलितों के लिए सरकारी ठेकों में 25% आरक्षण देने का काम माननीय बहन जी ने किया है। जो काम बहन जी ने किए हैं दलित समाज आज भी उन्हें नहीं भुला पाया है। और दलित छटपटा रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम प्रश्नजीत गौतम। प्रश्नजीत, देखो ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन एक कई जगह नौजवानों से हम देखते हैं, खासकर कि दलित समाज के नौजवानों, थोड़ी सी नाराजगी भी रहती है कि बहन जी कई सालों से एब्सेंट सी रही हैं, बहुत कम नज़र आती हैं। जो उनके एक समय पर जो बयान या जो उनकी भाषण भी होते थे वो भी अब भाषण मतलब दिखती कम है, निकलती कम है, अपने निवास से कम निकलती हैं, कनेक्ट थोड़ा सा उनका ख़त्म हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल लोग जो है ना समझते नहीं है बातें। बहन जी की आइडियोलॉजी ये है कि मेरा समाज जो है वो दलित समाज, जिस पे कुछ पैसे नहीं है, वो सुबह निकलता है कमाने के लिए
और शाम को अपनी रोजी डेली कमाना है, उसे डेली खाना है। वो नहीं चाहती हैं कि मेरा समाज सड़क पर उतरे और मुकदमे झेले। आप इसका उदाहरण हमारे एक भाई हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो लगातार बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, जहाँ भी कोई मसला हो जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं। आप समझिए कि उससे लाभ क्या होता है। मान लीजिए किसी दलित की बेटी की हत्या हो गई, हाथरस कांड हुआ, वो वहाँ पहुँचे, क्या वो नया न्याय दिला पाए? वो आज जेल से बाहर हैं। न्याय सड़कों पे नहीं, सत्ता में आकर लिया जाता है। अगर आप सत्ता के भागी, सत्ता में आपकी हिस्सेदारी है या आप सत्ता में हैं, तो आप अपने लोगों को न्याय आसानी से दिला देंगे, ना कि अपने लोगों को, गरीब मजलूम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा करके। मैं चलिए इस बात पर बाद में आऊँगा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी डिबेट हो गई है। क्योंकि अगर आप सत्ता में भी आने की बात करें, क्योंकि आज नगीना में हम होकर आए थे, वहाँ पर चंद्रशेखर जी का चुनाव बहुत मजबूत भी लग रहा है। ये भी सवाल होता है कि क्या हम सत्ता का ही इंतजार करें अपने न्याय पाने के लिए? अगर सत्ता नहीं आ रही है तो क्या न्याय की गुहार नहीं लगाएंगे? लेकिन प्रसन्नजीत भाई, आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम बाद में आएंगे। जी साहब, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अंकुश गिरी है, मैं ग्राम अलीपुर से रहने वाला हूँ। अलीपुर गांव से हैं। ये मेरठ सीट में ही पड़ता है, कौन सा? मेरठ जिले में ही पड़ता है, पिठौड़ विधानसभा में। ठीक है, बताइए जी गिरी जी, क्या आपने बताया नाम? अंकुश जी, बताइए, चुनाव आ रहा है 24 का, सवाल तो आप मेरा जानते ही हैं, क्या रुझान है आपके गांव में भी, क्या रुझान है अलीपुर में, और वैसे आपका पर्सनल क्या है, आपके गांव में क्या बाहुल किस बिरादरी की है? त्यागी समाज है और गोस्वामी समाज है, त्यागी और दो बिरादरी। हाँ जी, त्यागी समाज की बड़ी बड़ी पंचायतें भी हुई हैं, काफ़ी नाराज़ हुए हैं इस बार भाजपा से, कई जगह उन्होंने पंचायतों में काफ़ी कुछ कहा है, बल्कि उनका तो एक सुनील त्यागी एक स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार भी है मुजफ्फरनगर में, त्यागी समाज ने पंचायत में ये भी घोषणा करी थी कि वो उधर ही जाएंगे, ना कि भाजपा पे। वो आपको गांव में कितना नज़र आ रहा है? एक्चुअली हमारा गांव जड़ा ही बीजेपी पर डल रहा है। अच्छा, हम लोग जो हैं शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी ने हमारा साथ भी दिया है। ठीक है, और हम लोगों की सुनते भी हैं। सतवीर त्यागी जी हैं माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक रहे थे, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ाया था उनको। और ये जो भाजपा ने, बसपा ने जो त्यागी कैंडिडेट दिए हैं, उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? उसका मिनिमम 5% अगर हमारे यहाँ पड़ता है तो, पॉलिटिक्स पहले से ही हमारे यहाँ पे बीजेपी है, बीजेपी है, मजबूत है। चलिए मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी मजबूत है, आप करते क्या हैं वैसे? मैं फाइनेंस सेक्टर में एज अ मैनेजर हूँ, अर्बन मनी से, और मेरे फादर पिछले तीन योजना से प्रधान रहे हैं। अच्छा, 5-10 साल पिछले कैसे रहे हैं, खासकर कि यहाँ पर नौजवानों में रोजगार की बहुत बात उठ रही है, क्या वो नाराजगियाँ हैं? मैं सरकार से बस एक ही चीज़ से नाराज हूँ, क्योंकि युवाओं को जो रोजगार मिला है वो मिला नहीं। जैसे भर्ती को लेकर के बात करें, हमारे देश में जो अग्निवीर भर्ती लागू किया है, ये सरकार ने बहुत गलत करा है, क्योंकि एक युवा को एक नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है, और उसे 3 साल बाद छोड़ देना, ये 4 साल बाद वो अग्निवीर का जी। तो ये, और साथ में अभी पेपर लीक भी हुआ, जिसकी बहुत लोग बहुत उम्मीद से ताक लगा रहे थे कि वहाँ से कुछ 69,000 रोज़गार आएंगे, लेकिन वो अचानक पेपर लीक हुआ। फिर भी आप क्यों भाजपा के साथ, इस सब के बावजूद भी आप रोज़गार, नौजवान हैं, रोज़गार को लेकर आप भी नाराज़ हैं, क्यों भाजपा के साथ आज भी खड़े हैं? देखो, ये तो एक अपना मत होता है सर। नहीं, मत तो मैं तो कभी, मैं तो बस समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं ये एक अपना मत होता है कि हम किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को सुधारा जा सकता है। हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी इस चीज़ में सुधार लाए। लोकतंत्र की एक बहुत अहम चीज़ होती है कि आप जिसका समर्थन भी कर रहे हैं, उसकी भी जो गलत काम है उसकी निंदा करें, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ नौजवान कम से कम जिसकी समर्थन कर भी रहे हैं, फिर भी उसमें जो खामियाँ हैं उसको छुपा नहीं रहे हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं वो नहीं नज़र आ रही, ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है। जी साहब, आप खड़े हो गए, बैठे हुए थे अच्छे खासे, जो इन्होंने इधर आ जाए बैठना। अच्छा, चलिए आप बताओ सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय जाटव, मैं एक छात्र नेता हूँ यहाँ चौधरी चरण सिंह विद्यालय में। जी सर, हमने कभी किसी बच्चा कोई अगर हमारे पास आता तो कोई, हमने कोई जाति देख का काम नहीं करा किसी का, कि वो किसी के समाज का हो। एक ही भाजपा जनता पार्टी ऐसी है कि जाति देख का काम करती है, जैसे कि अब वैसे तो बताते हैं कि ये दलित हितैषी है, अब प्रेजेंट में चुनाव चल रहा देश में, जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का जिसमें एक हमारे ये अरुण गोविल जी है, ये ऐसे एक, ये अभी कुछ दिन पहले आपने देखा भी है कि प्रकरण था, पार्षद प्रकरण, जिसमें एक हमारी जाति के लोगों को भगा भगा कर मारना। ये मैं दर्शकों को बता दूँ, यहाँ से 2 दलित पार्षद जो चुने गए थे मेरठ में, नगर पालिका के हॉल के बाहर उनको बहुत बुरी तरह से, उन पर हमला हुआ था, पीटा गया था,
वो नाराज़गी कई लोगों में है यहाँ पर कि अब चुने हुए प्रत्याशियों के साथ भी इस तरह से हमला कर रहे हैं। जी ऐसी अभी 4-5 दिन की बात है, एक हमारे दलित समाज से आते हैं अरुण गोविल जी, एक दलित समाज में एक खाने के लिए उन्हें इन्वाइट किया जाता है, वो एक दलित वो कह रहे हैं वाल्मीकि समाज से आते हैं, जिसमें कि वो खाना सामने आते ही वो 3 बार हाथ जोड़ के करके पीछा काट लेते हैं, खा नहीं रहे लेकिन नहीं। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल गई है जिसमें वो एक दलित समाज के घर गए हैं और वहाँ पर खाना नहीं खा रहे हैं, उसको हाथ ज़रूर उस पर सामने जोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई बाद में ये आई थी कि नहीं वो वीडियो पूरी दिखाई नहीं गई थी, बाद में उन्होंने खाना खाया है। खैर मैं आपसे अनिल जी ये पूछूंगा कि चुनाव आ रहा है, आप छात्र नेता भी हैं यहाँ, आप कह रहे हैं भाजपा के समय पर जातिवाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा है, आपके सामने अभी यहाँ पर 2 बड़े उम्मीदवार हैं, आपकी बातों से तो लग नहीं रहा आप भाजपा को वोट करने वाले हैं, सपा या बसपा किसकी तरफ आप देख रहे हैं? बसपा, बसपा की तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है, क्यों आप बसपा की तरफ हाथी की तरफ देख रहे हैं जी? हाथी की तरफ क्यों देख रहे हैं आप? बसपा हमारी पार्टी है और जो मान सम्मान हमें बसपा में मिला वो किसी पार्टी में नहीं मिला। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर भी गए थे, जय भीम नगर गए थे, वहाँ पर लेकिन दलित समाज के कई लोग इस बार अभी सुनीता वर्मा जी की तरफ भी कह रहे थे वो देखने वाले हैं। पूरा समाज बसपा के साथ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो भी खराब है वो भी बिल्कुल एक तरफा? हाँ साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज गौतम है। सूरज जी क्या करते हैं आप? मैं तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम कर लेता हूँ, ठेकेदारी का भी और बिजनेस है। बिजनेस है। 2014 में मैं प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा हूँ 14वीं विश्वविद्यालय से। मुबारक, कैसे रहे आपके रिजल्ट? कुछ वोटों से कैंपस का चुनाव है। हाँ जी, कुछ वोटों से हार गए थे। चलिए ये भी, लेकिन लोकतंत्र में हिस्सा लेना ज़्यादा ज़रूरी है, हार जीत तो होती रहती है। अब ये बताइए चुनाव आ रहा है, किधर आपका रुझान किधर है? हमारा तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं और समाज जितना भी हमारे साथ है, जाटा समाज सर्व समाज का वोट मिल रहा है और त्यागी जी माने देवव्रत त्यागी जी को जिताने का काम करेंगे। ये तो कह रहे हैं इनके गांव में त्यागी हैं और त्यागी वहां से हिल नहीं रहे हैं, भाजपा पर ही है? नहीं, कुछ हैं, कुछ त्यागी समाज के सब समाज है जो थोड़ा बरगला रहा है और माने बहन जी 23 तारीख को आ रही हैं और सब समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे और कोशिश यही रहेगी बहुजन समाज पार्टी को वोट डलाया जाए और देवव्रत्याय जी को चुनाव जिताया जाए। ये नौजवान है, 3 नौजवान दलित समाज से यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं एक तरफा ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ हैं। ये मेरठ सीट पर देखने वाली चीज़ होगी क्योंकि यहाँ जहाँ पर हम अभी हम जय भीम नगर भी घूम के आए थे, उससे पहले शेरगढ़ी गए थे, बहुत अलग अलग राय आ रही है समाज से कि इस बार सपा में जाना है या बसपा में जाना है। ये लगभग एक तरफा एक अभी तक हम जिन लोगों से मिले एक तरफा समझदारी इतनी ज़रूर है कि भाजपा में नहीं जाना है। जी आपका नाम साहब? सर मेरा नाम अनुज है। हाँ जी, अनुज नाम है मेरा। अनुज क्या करते हो? अनुज सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। CCS के स्टूडेंट थे सर जी। आप बताइए चुनाव आ रहा है, कहाँ से हो आप? सर मैं मेरठ से ही हूँ, जयभीमनगर से। आप जयभीमनगर से हैं? जी बताइए, अभी आपके ही मोहल्ले से घूम फिर के आ रहे हैं जी। क्या आपकी तरफ आपका क्या रुझान है? सर हमारे जो क्षेत्र का रुझान है अभी ज़्यादातर तो बहन जी की तरफ ही है ज़्यादातर तो, लेकिन उसमें सब जो हमारे प्रत्याशी है योगेश शर्मा जी है, अब जो वो भी समाज के ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है कि भाई अभी हम अपने बहन जी की तरफ जाए या अपने प्रत्याशी की तरफ जाए जो अपने उसके जो हमारा कैंडिडेट है, तो उसमें ये है कि योगेश शर्मा है वो दलित समाज से हैं और जो देवव्रत जी हैं वो थोड़ा सा त्यागी समाज से है। अब उनमें भी हमारे जो एक सभासद थे भी प्रेजेंट के तो बस वो आजाद आसपा से थे रामपाल यादव, उन्होंने क्या काम करा कि उससे आसपास से जीतने के बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो अब जो देवव्रत त्यागी जी है अब उनका भी थोड़ा सा हमारा समाज में थोड़ा सा ये चल रहा है कि अगर 1% मान लो जीत जाते हैं क्या पता कल को बीजेपी ज्वाइन कर ले, ये डर है अब। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 1% अगर मान लो योगेश शर्मा भी बनता है तो उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हमारे समाज का है वो, बस ये। लेकिन हमारे जो भी अभी ज़्यादातर जो वोट चल रहा है वो बहन जी की तरफ चल रहा है, बहन जी की तरफ। हाँ जी, ठीक है, ये आपका है जी। आप बताइए क्योंकि आप तो पुरजोर तरीके से बसपा कह रहे थे, इन्होंने कहा कि देवव्रत त्यागी को लेकर थोड़ा सा डर है कि ये भाजपा में जा सकते हैं। दरअसल क्या है भाई साहब कि हमारे लोगों को जो है ना अभी थोड़ी सी जानकारी अधूरी रहती है, इन्हें मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब कोई आदमी कोई प्रत्याशी विधायक या सांसद चुना जाता है जिस दल से वो चुना जाता है और जब उसे वो दोबारा दल बदलता है तो उसे पहले अपनी विधानसभा या लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना होता है।
जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, मलूक नागर बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन वो बसपा छोड़कर लोकदल जब गए, जब उन्होंने अपनी योजना 5 साल की पूरी कर ली, अगर वो 5 साल से पहले लोकदल में जाते तो ये कानून है, संवैधानिक चीज़ें हैं कि उन्हें अपने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना होता। हमारे लोग थोड़ा घबराए हुए हैं कि देवव्रत त्यागी जीतेंगे इससे। आप ये कह रहे हैं कि अगर मतलब शिफ्ट भी कर जाए तो वहाँ उपचुनाव फिर से हो जाएगा उसका, पूरी बात कर दूँ, पूरी बात। दूसरा मैं ये भी बता दूँ, योगेश वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे समाज के बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी पत्नी मेयर चुनाव BSP से जीती। BSP से जीतने के बाद उन्होंने तुरंत समाजवादी ज्वाइन की, समाजवादी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने समाजवादी से चुनाव लड़ा हस्तिनापुर विधानसभा से और वो हार गए। तो ये किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन कहाँ जा सकता है कौन नहीं, लेकिन हमारे समाज को ये सोचना है। मतलब ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि जयंत चौधरी भी भाजपा से गठबंधन कर देंगे। वही कहना है कि हमारी बहन जी ने दो बार आज योगेश वर्मा इसलिए हैं क्योंकि माननीय बहन कभी जब वो 2007 में चुनाव जीते थे तो उस टाइम यहाँ उनकी छवि दबंग विधायक वाली थी और बहुत बड़ा मामला था, वो उन पर नहीं था, वो आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद था कि उन्हें विधायक बनाया और दबंग विधायक बनाया। उसके बाद जब वो 4 जगह घूम आए, 4 जगह चुनाव हार गए, फिर उन्होंने माननीय बहन जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, बहन जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें मेयर बनाया। उन्हें भी मेरा योगेश वर्मा जी से अनुरोध है कि उन्हें भी बहन जी के ने जो उन पर एहसान किए हैं, जिसकी बदौलत वो आज सब कुछ हैं और हमारा समाज है, उन्हें बहन जी का साथ देना चाहिए, बहन जी के साथ रहना चाहिए। मेरा अपने समाज के लोगों से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, अखिलेश यादव ने आज तक दलित विरोधी काम किए हैं, जैसे प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ने का, मेरा अनुरोध है कि माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें, जिससे माननीय बहन जी सरकार में अपनी हिस्सेदारी या प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी रख सकें। जिस दिन उनकी बहन जी की सरकार में हिस्सेदारी होगी या माननीय बहन जी प्रधानमंत्री होंगे, तो देश में दलितों का उत्थान केवल और केवल माननीय बहन जी कर सकती हैं, दूसरा और कोई प्रत्याशी है ही नहीं। दूसरा एक बात और, अब ये दो दल भाषण ना दिए, हाँ बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दो दल चर्चा, दो दल जो हैं, एक गठबंधन इंडी गठबंधन और भाजपा, भाजपा ने धर्म के नाम पे डरा करके लोगों से वोट लिया। दूसरा विपक्षी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, वो लोगों को संविधान खतरे में कहकर डराकर वोट ले रहा है। मैं अपने लोगों से ये बता देना चाहता हूँ, ये लोग आपका बेवकूफ़ बना के आपका वोट ले रहे हैं, कोई खतरे में नहीं है, आपने देख लिया, धर्म भी खतरे में नहीं है ना संविधान खतरे में। आप बहन जी के हाथ मजबूत करें, बहन जी सभी वर्गों के लिए काम करती हैं, निष्पक्ष काम करती हैं और लोगों को रोजगार देती हैं। जी साहब, क्या नाम आपका? जी मयंक चौधरी। मयंक जी क्या करते हैं? जी अभी वैसे मास्कॉम किया हुआ है और अभी खेती चल रही है, ऑर्गेनिक खेती। गांव कौन सा है अपना? अरनावली जी। अरनावली, ये किधर पड़ता है? बड़ोत रोड पे। अच्छा, तो ये मेरठ लोकसभा में ही पड़ता है? हाँ जी मेरठ नहीं, हमारा वो वाला गांव जो पड़ता है बागपत लोकसभा में पड़ता है। आपकी तो बागपत लोकसभा में नहीं, वैसे घर हमारा शास्त्रीनगर में ही है। वोट कहाँ है आपकी? मेरठ लोकसभा में। चलिए जी, बताइए क्या नाम बताया जी? मयंक चौधरी। मयंक जी, चुनाव आने हैं, चौधरी साहब तो अचानक आखिरी मिनट पर आते आते इधर चले गए भाजपा में, भाजपा के साथ, ये उम्मीद नहीं थी किसी को, आपका रुझान किधर है इस बार? मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, मैं सरनेम चौधरी है, हाँ। पर अगर आप बरादरी की बात करें तो मैं जाटव समाज से आता हूँ। बताइए मयंक जी ये बताइए, आप भी जाटव समाज से हैं, किधर आपका रुझान है इस बार चुनाव में? सर रुझान सारी चीज़ों को देखते हुए, अपनी प्रोग्रेस को देखते हुए, अपने समाज के लिए, अभी कुछ मेरे मुद्दे हैं जो मेरे अंदर ही चल रहे हैं, मैं अभी उन चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक नहीं हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँगा, पर अभी जहाँ तक काम को देख के और चीज़ों को देख के है, मैं चाहता BJP की तरफ ही हूँ, पर अपने समाज का रुझान की तरफ, अपने परिवार के रुझान की तरफ, जहाँ जिस समाज से मैं आता हूँ उस समाज की तरफ को देखते हुए, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम कुछ कोशिश करके मायावती जी को भी मजबूत करा जाए। ये बताइए, आप भाजपा से हैं और भाजपा को आप पसंद करते हैं? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, हालांकि मैं 2017 में चुनाव लड़ा हूँ चौधरी चरण सिंह से, बड़े भैया बैठे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मदद की थी अध्यक्ष पद पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी, पर मैं अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी रूप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी चलिए, मेरा आपसे भी सवाल है प्रसन्नजीत, क्योंकि ये जो बात हो रही थी कि बहुत सारे भाजपा के प्रत्याशियों ने ये कहा है कि इस बार संसद आम को 400 सीटें दीजिए ताकि हम
संविधान बदल पाए। कुछ ऐसे कानून भी आए हैं CNRC के, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कई सारे लोगों का, विशेषज्ञों का, खासकर की संविधान के विशेषज्ञों का, कईयों का ये भी कहना भी था कि ये अपने आप में गैर संवैधानिक एक किस्म से संविधान के खिलाफ जाते हुए, उसकी मूल भावना जो है उसके खिलाफ जाते हुए ये कानून आए हैं। आपको नहीं लगता है कि क्या सही मायने में जो विपक्ष भी कह रहा है, कभी कभी बहन जी भी कहती है कि संविधान खतरे में इनके अंडर है, आपको नहीं लगता है कि? जी पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बहन जी ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, संविधान कभी खतरे में आ ही नहीं सकता है क्योंकि संविधान की रक्षा करने वाले हम जिंदा हैं, यानी कि आम जनता। बहन जी ने भी ये बात कही है, कभी अगर ऐसी स्थिति बन पड़ी, मैं ऑन रिकॉर्ड मान्य बहन जी ने कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बन पड़ी तो सबसे पहले सड़क पर मैं आकर खड़ी होंगी, और यदि बहन जी सड़क पर आ गई तो आप यकीन करना करोड़ों करोड़ों लोग सड़क पर होंगे। तो आपका मानना है कि संविधान को अगर ये लोग हेर फेर करेंगे तो बहन जी और बाकी इनके जो समर्थक हैं वो रोक पाएंगे उस चीज़? बिल्कुल, ठीक जी। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि रुख अभी तक समझ नहीं आ रहा, दोनों तरफ एक यहाँ तो हाथी के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, क्या थोड़ा सा जो मन में डाउट था बड़े भाई ने थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि भाई उसमें थोड़ा सा सदस्य छोड़नी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो बहन जी, जो हमारी बहन जी है, उनका जो शासन काल है वो सबसे अच्छा रहा है, उसमें अधिकारी टाइम से पहुंचते थे, सब चीज़ टाइम से होती थी, कुछ भी एक्शन होना हो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी हो, तुरंत एक्शन होता था उसके खिलाफ में, ठीक है। लेकिन आपकी जो सरकार जो करंट में चल रही है वो जाति धर्म के नाम पर लोगों को देखते, दलित है उनको थोड़ा सा दबा दो, जो थोड़ा अपर कास्ट है उसको थोड़ा सा छोड़ दो, तो उनको थोड़ा सा ये जो थोड़ा जाति धर्म के नाम पर ये थोड़ा सा अपन राजनीति कर रहे हैं। तो मयंक जी आप बताइए, आपको क्यों पसंद आई भाजपा की सरकार? सर ऐसा है, कोई भी सरकार हो आप उसे एक तरह से ना तो धुतकार सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉजिकली किसी भी सरकार के साथ जाएंगे तो सरकार का कुछ पार्ट आपको समझ आने वाला लगेगा और शायद कुछ पार्ट आप उससे सहमत नहीं रह पाएंगे। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो आपको कौन सी चीज़ समझ आई, कौन सी चीज़ असहमत है? सर मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे सर रोड्स का कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, हाईवेज आपको पसंद? हाईवेज का काम जिस रफ्तार से हुआ है पिछले कुछ समय में, जिस हिसाब से रेलवेज का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन को और ट्रांसपोर्ट को मजबूती दी गई है, उस पॉइंट से मुझे लगता है कि सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। चलिए ट्रांसपोर्ट पर एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या उतनी बढ़ोतरी हुई है, खास करके इवन बीजेपी रूल स्टेट्स में एक बड़ा सवाल आता है, खास करके जब अगर और या रेलवेज़ की भी अगर बात करें तो वंदे भारत को प्रायोरिटी मिली है या इस तरह की ट्रेन्स को, लेकिन बहुत सारी और ट्रेन्स हैं जिन फ्रेट कॉरिडोर के साथ, फ्रेट कॉरिडोर को इस तरीके से बनाया गया है कि जिस दिन कोई भी सरकार चाहेगी उसके पैरेलल लाइन तुरंत बिछ सकती है। फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही इन्होंने बाईपास का इंतजाम किया हुआ है, उस बाईपास पे अभी फिलहाल में ही इतनी ज़मीन को उन्होंने अधिग्रहण कराया कि उसे एट लेन हाईवे में बनाया जा सकता है। तो इस फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखते हुए जो काम हो रहा है वो सराहनीय है। आपको सराहनीय लग रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर बाकी लोगों का इल्ज़ाम है कि ये सरकार जातिवादी सरकार है या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, उस पर आपको क्या कहना? सर मैं मना नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, पर सब का अपना एक अनुभव होता है, हर इंसान हर चीज़ को देखने का अलग परसेप्शन होता है, जिस इंसान के साथ जैसी फीलिंग अटैच हो जाती है वो उस चीज़ को वैसे एक्सप्रेस करता है। जिसने ऐसा अनुभव किया होगा ज़रूर तेरे उस तरह को उसे फील हुआ होगा, पर अगर बींग एन इंडिविजुअल में अपनी बात करूँ मैं इस चीज़ को मना एक तरह से खारिज नहीं करूँगा, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ ऐसा है और शायद इन चीज़ों को मुद्दा बना के भाजपा आगे आना चाहती है और वो करी रही है इस चीज़ को। सर हम लोग अभी CCS यूनिवर्सिटी, मेरठ की CCS यूनिवर्सिटी के सामने बिल्कुल, यहाँ आप कभी आए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ अगर आए तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ज़रूर आए, बहुत पुरानी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, इसमें भी काफ़ी एक काफ़ी इतिहास की कई कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, कई कई आंदोलन भी यहाँ पर हुए हैं, और इस यूनिवर्सिटी के ठीक सामने, मेन गेट के ठीक सामने यहाँ चाय का ठिया है। चुनाव के वक्त अगर आपको यहाँ का राजनीतिक माहौल पता करना है तो शाम को ज़रूर आइएगा, बहुत सारे यहाँ पर नौजवान बैठे हुए नज़र आ जाएंगे, सब आगे पीछे आपको समझ आ जाएगा कौन क्या सोच रहे हैं, कहाँ वोट जाने वाले हैं चुनाव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद CCH जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।